धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बीते 50 वर्षों से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में अग्रणी नागपाल नर्सिंग होम अब आधुनिक सुविधाओं के साथ नागपाल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी रेड रोड पर स्थित नागपाल नर्सिंग होम अब नागपाल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का रूप ले चुका है। इस अस्पताल के नए रूप का उद्घाटन रविवार 26 मार्च को प्रातः 10 बजे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा के कर कमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा क्षेत्र के असंख्य गणमान्य लोगों के अलावा सभी शहरवासी भी भाग लेंगे। डॉक्टर एसी नागपाल ने बताया कि अस्पताल के नए भवन में अब मरीजों को कई अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर मुकेश सैनी, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, डॉक्टर दिव्या नरवाल द्वारा अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष रूप से ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ब्लड एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, PFT ऑपरेशन थिएटर, कंप्यूटराइज्ड लैब, प्राइवेट रूम, लेबर रूम, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, ECG, IPD आदि शामिल हैं। डॉक्टर मुकेश सैनी एवं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में हर तरह के मरीजों का इलाज किया जाएगा। महिला एवं पुरुष मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था अस्पताल में की गई है। अस्पताल में दूरबीन द्वारा मरीजों की पित्त की थैली और पित्त की नली की पथरी का ऑपरेशन, विभिन्न प्रकार के हर्निया के ऑपरेशन, गुर्दे व पेशाब की थैली की पथरी का ऑपरेशन, लीवर, स्प्लीन, गुर्दे व आंतों की चोट, आंतों की रुकावट व ट्यूमर के लिए होने वाले ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, रसोली का ऑपरेशन, ब्रेस्ट की गांठों, रसोली की जांच व ऑपरेशन, बवासीर, भगंदर व फीसर का ऑपरेशन, सूक्ष्म चीरे द्वारा व नसबंदी की सुविधा, बच्चेदानी व अंडेदानी की हर प्रकार की रसोली का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी। रामचंद्र सैनी, डॉक्टर मुकेश सैनी, डॉक्टर एसी नागपाल, हितेश सैनी आदि ने सभी शहरवासियों को रविवार 26 मार्च को नागपाल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ओपनिंग कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। मैं डॉक्टर नागपाल, जो कि आपके शहर के अंदर पिछले 50 साल से मेडिकल सर्विसेज नागपाल नर्सिंग होम के नाम से दे रहा हूं, जिससे आप परिचित हैं, और अब इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके नागपाल मल्टी स्पेशलिटी कर दिया गया है। और इसके अंदर डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर मुकेश सैनी जो MS हैं और जो कि एंडोस्कोपी का कार्य भी करते हैं, और उनकी मैडम डॉक्टर रिंका गुप्ता ने ज्वाइन किया है, और भी विजिटिंग डॉक्टर्स इसको नियर फ्यूचर में ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हर तरीके की अब आधुनिक मेडिकल सेवाएं दी जाएंगी और हॉस्पिटल को अपग्रेड करके इसको सब AC रूप में और सब अच्छी सुविधाएं जो होनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में बेसिक वो कर दिया गया है। और इसके लिए उद्घाटन 26 मार्च को सुबह 10 बजे के बाद होगा, और जिसमें माननीय नायब सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट और आदरणीय विधायक सुभाष सुधा जी व अन्य सम्मानित लोग उपस्थित होंगे। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप आएं और अपना आशीर्वाद दें, और यहाँ हर किस्म के आपके जलपान और ब्रंच की सुविधा इंजाम किया गया है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, नागपाल नर्सिंग होम अब नागपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो रहा है, अब किस प्रकार की सुविधाएं जो है अपडेट की जा रही हैं? जी सर, पहले यहाँ पर ज़्यादातर ओपन सर्जरीज हुआ करती थी, अब हमने इसको लेप्रोस्कोपी के साथ अपडेट किया है। हमारे पास स्ट्राइकर का 1488 स्ट्राइकर का इंस्ट्रूमेंट, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, और एडवांस्ड मार्क के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसको हम दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया, और दूरबीन से हर्निया का ऑपरेशन हो गया, दूरबीन से बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया, ये सब सुविधाएँ हैं। हर बेड पर ऑक्सीजन है, और अभी वेंटिलेटर की आने वाले समय में सुविधा शुरू हो जाएगी। हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, और हमारे हॉस्पिटल में अभी सुविधाएं शुरू हो गई, फार्मेसी भी है और गायनिक की भी फैसिलिटीज आ गई हैं। सब जैसे अभी हमारी विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर दिव्या नरवाल है गायनिक के लिए, तो हमारे यहाँ गायनिक की फैसिलिटीज भी स्टार्ट हो गई है। जनरल सर्जरी के साथ साथ गायनिक की फैसिलिटीज भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ कुरुक्षेत्र में
नवंबर 1990 से अपने लेबोरेटरी की सेवाएं दे रहा हूं, और जो मार्केट रेट से बहुत ही कम रेट में जो है यहां पर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब इसी में आगे ऐड करते हुए जो यहां पर डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर नागपाल जी ने, कि भी ये 50 साल से जो अपना सेवा कार्य चल रहा है नागपाल नर्सिंग होम का, अब इसको डॉक्टर साहब ने मल्टी स्पेशलिटी के रूप में अपडेट कर दिया है। पहले इसको मिनी पीजीआई बोला जाता था, यहाँ पर हर तरह के बर्न केस या पॉइजन केस या स्नेक बाइट केस, कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं थी जो यहाँ से आई और वो मल्टीपल ट्रॉमा के जैसे मतलब यहाँ पर काम होता था और वो ठीक होके ना गई हो। मैंने खुद यहाँ पर ऐसे कितने सारे ऐसे केस देखे हैं कि भी जो पीजीआई से भी वापस होके यहाँ पर ठीक होके गए हैं, और अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत कम रेट में ज्यादा से ज्यादा सेवाएं देके, अभी हमारी इच्छा है कि भी कुरुक्षेत्र में एक ऐसा सेंटर बने कि भी जो लोगों को यहाँ से जो इमरजेंसी में कोई पीजीआई जा रहा है, कोई आगे फोर्टिस जा रहा है, बहुत ज्यादा रेट में उनको सेवाएं मिलती हैं, वो कम से कम रेट में यहाँ पर इस सेंटर में सेवाएं मिले। बाकी डॉक्टर नागपाल जी का यहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद पूरा रहेगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं और भगवान डॉक्टर साहब की आयु लंबी करे, आशीर्वाद ज्यादा मिले।